भी आज तो धरी गई, आज तो रंग लगेगा ही लगेगा। आज आप नहीं बचने वाली। आज तक मुझे कभी कोई रंग लगा पाया है क्या? अरे रिंकू, क्या हो गया? आप इतने सैड क्यों हो? दादी मेरे साथ होली नहीं खेल रही, और आपको पता है हर साल दादी को कोई नहीं रंग लगा पाता, बस वो हमें ही लगा देती है रंग। रिंकू, इस साल ना हम दादी को रंग लगाएंगे। ओके ओके। पल्लवी पल्लवी, वो पॉसिबल नहीं है, वो किससे कलर नहीं लगवाती। चैलेंज चैलेंज एक्सेप्टेड। हो ही नहीं सकता। यू सी आकाश। ओके चाची से, मेरे पास इतने सारी पिचकारियां हैं। अरे वाह, आपको कौन सी चाहिए? वो वाला। ये पल्लवी, इट्स नॉट इजी। अरे यू सी ना रिंकू, अब देखता जा तेरी चाची क्या करती है। यहाँ आओ तो मैं कहानी दूंगा तुम्हें, चलो होली खेलते हैं। रुको दादू, चाची ने चैलेंज दिया है कुसुम दादी को रंग लगाने का। बताओ चाची, कुसुम को कलर लगाने का चैलेंज लिया है? ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से एक काम करना, ऐसा थोड़ा थोड़ा मत लगा, ऐसा ना पूरा लगा के ना सब पूरे मुंह पे पोंछ देना। वो क्या आ गया चाची जी? वो आपको सॉरी बोलना था, मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है ना, आज होली का दिन है तो मैंने सोचा इससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है सॉरी बोलने के लिए, तो इसलिए आ गई आपके पास। सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। चाची जी, ये मेरी तरफ से सॉरी, लीजिए ना। इस वक्त गुस्सा नहीं, इस पे मुझे साइन लेने पे ध्यान लगाना है। सॉरी चाची जी। बदमाश। बुरा न मानो, होली है। तो टूट गई टूट गई टूट गई, कुसुम की कसम टूट गई। मम्मी जी, अब कलर तो आपको लग ही गया है ना, तो चलिए ना हम भी होली खेलते हैं। मैं आपको कलर लगा देती हूँ। हैप्पी होली। कोई भी काम है इस दुनिया में जो तुम नहीं कर सकती? मैसेज है पप्पी का, दूसरा साइन हुई या नहीं हुई पेपर से। अरे माँ, ऐसे मुंह मत बनाओ यार, मैंने पहले ही कहा था उसको प्रॉमिस मत करो, इतना आसान नहीं होगा ताऊजी और पापा से साइन लेना। नहीं नहीं, मैं आज ही उनसे साइन करवाऊंगी, और वो भी आज की आज, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ठंडाई लाई थी मैं आप दोनों के लिए, लीजिए ना चाची जी, मना मत करिए।
है पापा, कहाँ भाग रहे हो? आज तो आपको रंग लगा के ही रहेंगे। कहाँ भाग रहे हो आप? आज तो हम आपको रंग लगा कर ही रहेंगे। लायक नहीं हो राकेश की। आई एम परफेक्ट फॉर हिम। तुम प्रेग्नेंट हो? सॉरी राकेश, ये सब हो गया। एक्चुअली मैं किसी को भी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मम्मी पापा, आप दोनों इतने सुखे सुखे क्यों हो? चलो चलो होली खेलते हैं। लो मम्मा, पापा को कलर लगाओ और पापा आप भी। सच में इतने दुखी है राकेश मुझसे? जानवी के साथ ही खुशी है इनकी। ये कटे कटे रहते हैं, ना ठीक से बात करते हैं। ये दूरी कहां से आ गई तन्नु? कैसे हुआ ये? कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे, कैसे ठीक करूं जो गलत किया है मैंने, कैसे तुमसे माफी मांगूं? चलो ना। अरे तुम चलो ना, मैं एक बार पापा को फोन करके हैप्पी होली विश कर देती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? बस पापा की याद आ रही थी। कर लो। अच्छा से कॉल कर लो। हाँ, मेरी तरफ से विश कर देना। पापा को बोलना मैं जल्दी कॉल करूंगा। आ जाओ। ओके। पापा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? पप्पी जी से बात कब होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे शर्मा जी, कहाँ छुपे बैठे हैं? अरे होली नहीं खेली क्या? बाहर आइए, कहाँ छुपे बैठे हैं? आया आया। आकाश, तुम्हारा फोन होना। क्या हुआ? पापा को फोन करना। क्या हुआ? पापा को फोन नहीं लगा तुम्हारे फोन से? ओके। मेरा फोन नहीं उठा रहे, शायद आकाश का उठा ले। पापा आकाश का फोन भी नहीं उठा रहे, ठीक तो होंगे ना? कहीं हमसे कुछ छुपाने के लिए तो अवॉइड नहीं कर रहे मेरा फोन? कुछ तो गड़बड़ है। जी कहिए। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने क्यों? आपके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट आई है, धोखाधड़ी की। एक हस्बैंड और वाइफ ने की है। गलत जमीन बेच के आपने उनका 15 करोड़ का नुकसान किया है। ले चलो इन्हें। पता नहीं, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे पापा कोई परेशानी में है। अरे आप साइन करते हो या नहीं? अरे तो नहीं चाहिए यार तेलवे। अरे मैंने बोला ना। अरे कुसुम रिंकू, थोड़ा देख के ना बाबा, लगी तो नहीं कहीं मेरे को उठना? मैं उठ नहीं पाऊंगी। एक मिनट, आराम से नहीं ठीक है? अरे मैं कर लूंगी मुझे जो करना है।
आप बस यहाँ पे साइन कर दीजिए और वो जो जोड़े के दर्द का तेल आपने मंगाया ना, अब उसे मैं ही यूज करूंगी। खुद ही ने मंगाया, खुद ही भूल गए। यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। हो गया? नीचे वाला भी। ये भी? हाँ। ले। अरे कुछ नहीं, मम्मी जी आराम से। मैम कब से इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा होता है। हाँ हाँ, हो गया हो गया, ये हो गया सही। ये पार्सल। अरे हाँ। सुनो सुनो सुनो, यहाँ हैप्पी होली रख जी। थैंक यू मैम। रवि रवि, पप्पी को बोल साइन हो गया। पापा का कॉल नहीं लग रहा है। दीपू दी की भी बात नहीं हुई है पापा से। पल्लू तू टेंशन मत ले, पापा कहीं गए होंगे। पल्लवी क्या हुआ, कहाँ रह गई? आकाश देखो ना, तनु दी का मैसेज आया। पापा ना किसी का फोन उठा रहे, ना किसी से बात की है उन्होंने। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। आकाश मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे उनके पास जाना चाहिए। पल्लवी क्या पता उनका फोन साइलेंट पे हो। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करते आकाश। होली दिवाली कोई भी तीज त्योहार पे ऐसा कभी नहीं होता कि उन्होंने किसी से बात नहीं की हो। अच्छा चलो मान लिया कि मुझसे गुस्सा है, लेकिन तनु दी दीपू दी उनको भी कॉल नहीं किया, उनके भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। जरूर कोई तो परेशान है, मैं जाके देखती हूँ ना। प्लीज नहीं नहीं पल्लवी, प्लीज तुम कहीं मत जाओ, तुम जाओगी तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। मैं पता तो है मम्मा के बारे में, त्योहार का दिन है वो भी। पल्लवी पल्लवी एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ, मैं पापा को देख कर आता हूँ। ओके तुम प्लीज घर पर आओ। आर यू सीरियस आकाश, होली के दिन भी मैं अपने पापा से नहीं मिल सकती क्या? पल्लवी मैं ये नहीं, पल्लवी तुम कहीं नहीं जाओगी, आज होली का दिन है, त्योहार का दिन है, तुम घर पे रहोगे। ओके मैं जाऊंगी आकाश, तुम समझने की कोशिश करो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। पल्लवी क्या कर रही हो, मैंने डिसाइड किया था ना, मुझे तुम पे गुस्सा होना है। क्या बोल रहे हो आकाश तुम? पल्लवी आकाश कुछ कह रहा है ना तुमसे? अपर्णा भाभी इधर आइए ना। हाँ आती हूँ। पल्लवी क्या हो गया तुम्हें, कब से इशारे कर रहा था? आकाश एक बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की है। बताओ क्या बात है? हमने आपसे कहा था कि ये प्रॉपर्टी में हमारी जिंदगी भर की सारी कमाई चली जाएगी। जरा ये बोर्ड देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। ये कैसे हो सकता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ये गवर्नमेंट का बोर्ड कहां से? चलो जो आप आ गए, यहाँ पर कुछ और ही मसला चल रहा है। माय गॉड, पापा रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, वो भी इस कमीने पप्पी के साथ। ये वो तो एक नंबर का फ्रॉड है, पापा को फंसा देगा। एग्जैक्टली आकाश, और मैंने उस दिन पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अब बस मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं पप्पी ने तो पापा को कुछ। अरे जयदेव बाबू क्या हो गया, अरे कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? पर क्यों लेके जा रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, एक इंक्वायरी है, इन्होंने फ्रॉड किया है ऐसा आरोप है, इसीलिए उनको थाने लेके जा रहे हैं। जयदेव जी और फ्रॉड? नहीं 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 सर, जरूर कुछ गलतफहमी है। हट जाइए सब, चलिए। इसको चूना लगाया होगा इन्होंने। लो हम तो रंग लगाने आए थे, चूना ही लगा दिया। अंकल जी, अंकल जी। सर आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? सर मुझे लगता है आपको किसी ने ऐसे कुछ बोल दिया है। सर सुनिए ना, कुछ गलत फहमी नहीं हुई है, इनकी कंप्लेंट आई है, इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। और हाँ, अगर पुलिस के काम में बाधा डालने की कोशिश की ना तो सबको अंदर कर दूंगा। डालो अंदर इन्हें, गाड़ी में डालो। फ्रॉड कुछ भी बोलते हैं, शिट। पलो पलो भी आ रही है। पल्लवी तुम एक काम करो,
मैं जाके पापा से मिलकर आता हूँ, ओके? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। नहीं आकाश, मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि पापा किसी प्रॉब्लम में, उन्हें मेरी जरूरत है आकाश। पल्लवी ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना, देख लूंगा जाके पापा को। आकाश मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, आई नो हिम, वो प्रॉब्लम में है अभी, उन्हें जरूरत है मेरी, प्लीज। मोंटी का कॉल, कुछ तो गड़बड़ होगी। हाँ हाँ मोंटी। हेलो पल्लो, अंकल जी को पुलिस ले गई है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे उनके पास भी नहीं जाने दे रहे थे। तू सुन रही है ना पल्लो? हाँ मोंटी मैं सुन रही हूँ। क्यों लेके गई है पुलिस, कुछ बताएगा? कुछ फ्रॉड कर रहे थे और आसपास के लोग भी बहुत गॉसिप कर रहे थे, लेकिन अंकल एकदम शांत लग रहे थे। मुझे तो लगता है किसी ने उन्हें फंसा दिया है। ठीक है मैं आ रही हूँ। सब पप्पी का केदर है। मैंने कहा था ना, मैं कह रही थी ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आकाश प्लीज मुझे जाने दो। सर मैंने इतनी देर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये जो कुछ भी आरोप है ना, ये गलत है। मेरा खुद का केस चल रहा है सर, ये चिटफंड वालों ने मुझे धोखा दिया है। मैं भला किसको किसको धोखा दूंगा और क्यों? ये मुझे ना फंसाया गया है सर। फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? हम? और ये पैसे हमारे गए हैं और हम ही फंसाएंगे? सर इन्हें छोड़िएगा मत, इन्होंने हमारी मेहनत के पैसे खाए हैं, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हाँ जी पैसे किसके पास हैं इनके? सर पप्पी मेहरा के पास। मैं पप्पी मेहरा के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि ये जमीन बेचो और मुझे कमीशन दे, जैसे हर जगह होता है। मुझे भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, मुझे कमीशन अब तक नहीं मिला है सर। सरकारी जमीन थी चाचा, अपना बताकर भेज दिए। सर मैंने तो खुद उस दिन सरकारी वाला बोर्ड पहली बार देखा, इन्होंने मुझे दिखाया था। ये पप्पी मेहरा जो है ना, इन्होंने मुझे एक पावर ऑफ अटर्नी कहा था साइन करने के लिए, बोला था कि ये पेपर वर्क आसान हो जाएगा, तो मैंने वो पावर ऑफ अटर्नी साइन कर दी थी और कहा था कि जमीन बेच दोगे तो आपको कमीशन मिलेगा। सर मैं तो सिर्फ ब्रोकर हूँ सर, और कुछ नहीं। पैसे भी मेरे अकाउंट में नहीं आए, पैसे डायरेक्टली पप्पी मेहरा का अकाउंट में गए। पप्पी? अरे भाई है कौन ये पप्पी मेहरा, और आप दोनों मिले हो क्या उनसे पहले? नहीं सर, हम किसी भी पप्पी मेहरा को नहीं जानते, हम सिर्फ इनको जानते हैं। ये नई कहानी बना रहा है। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। अच्छा जमीन किसने दिखाई हमको? तुमने। चेक किसने लिया हमसे? तुमने। रजिस्ट्री किसने करवाई? तुमने। सब कुछ तुमने किया है। बिकॉज मैं ब्रोकर हूँ, मैं पप्पी मेहरा का ब्रोकर हूँ सर। सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं ये पूरा सॉर्ट आउट कर दूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। मैंने अपना FIR दूसरे थाने में लिखवाया है, अगर आप चाहो तो मैं आपको ये FIR नंबर भी दे सकता हूँ। लेकिन प्लीज सर मेरे यकीन मानिए, ये मैंने नहीं किया है। ठीक है, जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। कल शाम तक का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन ध्यान रहे शहर से बाहर नहीं जाना है, और फोन करे तो फोन उठाओगे। आज FIR नहीं लिख रहा हूँ, जाओ, लेकिन कल तक। उसके बाद FIR भी लिखूंगा और जरूरत पड़ी तो कस्टडी में भी लूंगा, जाओ। ठीक है। पर सर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप? देखिए एक दिन का टाइम देना पड़ता है, और आप फिक्र मत कीजिए, ये कहीं नहीं जाएंगे, हम जाने ही नहीं देंगे, जाइए आप। जी सर, शुक्रिया। पल्लवी मेरी बात सुनो। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट अभी के लिए नहीं। पर वैसे भी ये पुलिस का मामला है, मैं जाकर देखता हूँ, मैं जाता हूँ थाने में, पुलिस वाले का मामला मैं हैंडल कर लूंगा। पल्लवी प्लीज ट्रस्ट मी, मैं संभाल लूंगा पापा को। यहाँ पे मम्मी कोई ना कोई इशू बना देगी तो। आई डोंट केयर अबाउट एनी इशू राइट नाउ आकाश, मेरा वहाँ पहुँचना जरूरी है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं, प्लीज आकाश प्लीज। मैं कर लूंगा हैंडल, ट्रस्ट मी। आकाश पल्लवी ठीक कह रही है बेटा, तू जा पल्लवी के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.